मॉर्निंग। तो आज 12th क्लास को जो एक्सरसाइज 5.2 करनी है, अब 5.2 के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो है इसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन जो होता है, एक तो होता है एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा। अगर अकेला एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। अगर एक्स स्क्वेयर है, एनी पावर होगी किसी के ऊपर भी, तो जैसे मान लें कि हमने एक्स की पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर है वो पावर आएगी इसके आगे, तो पावर आगे आगे और एक्स की पावर एन तक, यहीं तक होगा। एक पावर हमने इसके आगे लिया है जिसके अंदर से हम -1 कर देती है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। जैसे जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, फिर दूसरा है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -साइन एक्स, फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -सेकेंट स्क्वेयर एक्स, और फिर उसके बाद होता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का जो है डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस कोट स्क्वेयर एक्स है, कोसिकेंट का एक्स डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और टेन एक्स। फिर कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस सीकेंट एक्स और कोट एक्स। ये डिफरेंशिएशन होगा। अब उसके बाद अगर दो एलिमेंट हमारे पास मल्टीप्लाई में दो होते हैं, तो यू इंटू वी है, तो फिर तो जैसे मान लिया कि हमारे पास है कोस एक्स, दूसरा है इंटू में इसके साइन एक्स है, तो ये दो अलग अलग है, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये मान लिया यू है, दूसरा है वी, तो यू इंटू वी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, पहले यू का डिफरेंशिएशन, पहले यू एज इट इज पहला जो होगा वो जैसे जैसा है वैसा होगा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन इसी के मल्टीप्लाई में, यानी कि डीवी अपॉन में हो जाएगा डीएक्स, फिर प्लस, फिर जो दूसरा था वो एज इट इज होगा, यानी बी एज इट इज, और जो पहला है इसका डिफरेंशिएशन यानी कि हो जाएगा डीयू अपॉन में डीएक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसी तरह से अगर यू अपॉन में बी होता है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो नीचे है उसका स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और फिर जो ये नीचे वाला है ये ऊपर एज इट इज होगा बी एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का यानी कि डी यू अपॉन में डी एक्स, फिर माइनस, और फिर जो ऊपर वाला यू था यू एज इट इज, और जो नीचे वाला है इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, अब इनका प्रयोग करते हुए जो है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये पहला जो है उसके अंदर ये रहता है कि साइन एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स की पावर टू प्लस 5 है। तो जब फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, उसके बाद जो एक्स की पावर है उस पावर का, और उसके बाद मतलब पहले तो पावर, पहले सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का और डिफरेंशिएशन, फिर पावर का और फिर एक्स का, इनका डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है। तो पहले जो है हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और ये एज इट इज देखो इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये कर दिया इस साइन का डिफरेंशिएशन। अब एक्स का करेंगे, यानी एक्स के अंदर पहले इसके ऊपर पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पावर आगे आएगी और एक्स की पावर यानी कि 2 - 1, फिर इनटू में इस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 - 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 और इनटू में हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो 5 है, इस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा है कोस ऑफ साइन एक्स है, अगर ये दोनों अलग अलग नहीं है एक ही है, ये ब्रैकेट के अंदर ये इसका क्या होगा थीटा है, अगर इसके साथ अगर अलग से एक्स होता तो इसकी हम यू इंटू वी लगाते हैं। अब पहले तो इस कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और ये साइन एक्स एज इट इज, फिर इंटू में इस साइन का अंदर वाले का करते हैं, इस साइन का क्या हो जाएगा इंटू में होगा कोस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है,
फिर अकेले एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस ऑफ साइन इंटू साइन एक्स और कोस एक्स, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब उसके बाद ये फाइव जो है, फाइव का सम है, उसके अंदर क्या रहता है कि साइन ए एक्स प्लस में बी और अपॉन में है इसके कोस ई एक्स सी एक्स सी एक्स प्लस डी है। तो अब इसके अंदर ऊपर यू है नीचे बी है, तो नीचे वाले का स्क्वेयर यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा स्क्वेयर। अब ये एजिटिव ऊपर है, एक बार इसको हमने एजिटिव रखेंगे तो कोस सी एक्स प्लस डी इंटू यू का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस, और ये एजिटिव यानी ए एक्स प्लस में बी, और इंटू में फिर इस ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो जीरो हो जाएगा, इस ए एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाएगा एक्स का वन और वन के इंटू में ए, तो ए होगा। फिर माइनस यू इंटू बी लगा रहे, फिर माइनस अब यू एजिटिव यानी जो ऊपर वाला था ये एजिटिव होगा साइन ए एक्स प्लस में बी एजिटिव, और इंटू में वी का डिफरेंशिएशन, वी यहाँ पे कोस है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और इंटू में, अब इस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा सी, यहाँ पे इंटू में इसके सी हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी और इसके ये माने यहाँ पे इंटू में ए है, फिर एक माइनस ही होगा, एक माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और इसके इंटू में होगा सी, और डिवाइड बाय हो गया इसके नीचे क्या हो गया कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन है। एक्सरसाइज पूरी।